आम्रपाली में जो है एक मकान में जो है बिल्ली के बच्चा जो है टॉयलेट सीट में अंदर में चले गया है, तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये जो है सेकंड फ्लोर में बिल्ली का बच्चा गिरा हुआ है। सेकंड फ्लोर के मकान से हमें जो है इस पीछे आप देख रहे हो कि पाइपलाइन है। हाथ चले गए फिर अंदर सामने आएगी तो पकड़ भी जाएगी। आती है कभी कभी वो आगे आएगी तो मैं घिस सकता हूँ। अरे कहाँ गई, सामने नहीं है। इस पाइपलाइन से जो हमें पेंटर जो पोताई के लिए जो सीढ़ी रखते हैं रस्सी वाला, उस रस्सी से हम उतर करके बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास करेंगे। ये छज्जा ऊपर में जस्ट यहाँ लाना है, ये छज्जा में लाना जी। हाँ बस हो जाए, बांध दे। हाँ टूटना नहीं चाहिए, हाथ वो 40-50 है। चल हाँ चल ना अब इसको उतारने के लिए अपने को झोला झोले में डाल लो इसको। हाँ ये झोले में डाल दीजिए। अच्छा सही वीडियो ना ये लो भैया, झोला ही पकड़ लो। पकड़ उसको, दूध पिलाना पड़ेगा उसको। हाँ नहीं नहीं अभी थोड़ा सा ना सूखा करना पड़ेगा उसको। बिटिया बोला था दूध लेके आ, उसको पिलाएंगे दूध। इंडियन टॉयलेट में जो है बिल्ली का बच्चा गिर गया था, भैया के कॉल पे मैं आया था तो उसको बड़ा भैया का भी थोड़ा सा मजा बहुत मदद हुआ, और एक तो पेंटर भाई साहब आए थे झूला सीढ़ी के माध्यम से जो है उसको नीचे उतार के उसको रेस्क्यू किया अच्छे से। मैं योगेश सिंह ठाकुर यहाँ B86 में निवास करता हूँ आम्रपाली वनांचल सिटी में, और ये कल गिरा था लेकिन हमको आज पता चला, तो हम लोगों ने क्योंकि ये रूम हम लोग यूज नहीं करते हैं, इसको बिल्ली कहीं से ला के दे दी थी बच्चा, तो इसको अजय जी बहुत कोऑपरेटिव हैं, उनको फोन किया तो तुरंत आए और इसको हम दोनों ने मिला मिल के इनको इनका बहुत बढ़िया था, बहुत प्रयास करके इनको बचाया गया है। भैया तो अच्छा ऊपर आया तो उनका आवाज सुनाई दिया। हाँ हाँ वो आवाज सुनाई दिया तो कहाँ से आवाज आ रही करके देखा तो पता चला है, वो पूरा पाइप को हम लोग निकाल करके इसको